उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा है कि जो होटले ढाबों पे गंदी तरीके से खाना बनता था उसमें साफ सफाई रखें, जो भी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं उनकी पूरी बंदी दी जाए और साफ सफाई से व्यवस्था से काम किया जाए, इसको किस तरीके से देखा जाए। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बयानों का पूर्णतः समर्थन करते हैं और उन्होंने जो निर्णय लिया है बहुत ही अच्छा निर्णय है। समाज में जो ढाबे और दुकानें मंदिरों प्रसाद आज जो वितरित होते हैं उनमें जो गंदगी या कोई मिलावट होती है उसकी जांच होनी चाहिए और जांच उन्होंने करवाने का जो वायदा किया है उसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं और हम उनके कहने इस कार्य में पूर्ण सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। अच्छा वकील साहब, आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लगातार लोगों के बीच रहते हैं, गरीब आदमियों की मदद करते हैं, कई ऐसे विकास कार्य में आपने साथ दिया सरकार का, जैसे अभी एक मंदिर का मसला था वहां पे भी आपने योगदान दिया, कैसे देखते हैं आपके योगदान में किस तरह से बाधा पहुंच रही है? आजकल असम में वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी जो है वो उनका राजनीतिकरण हो गया है, वो वास्तविक कानून और कायदे के तहत कार्य नहीं करते हैं, अमीर गरीब को नहीं देखते हैं, गरीबों की कहती तमाम समस्याएं हैं और उन समस्याओं को जब नहीं देखता है, मैंने एक संकल्प किया गरीबों की मदद करूंगा, आजीवन करूंगा, निःशुल्क करूंगा। इसी परिपेक्ष में अभी गड़िया हनुमान मंदिर जो था उस पर कहती है गुरुमाता जो थी महंत थी राधा दीक्षित, उनको हमने उनकी पूर्ण मदद की थी और उनको कहना जाए अतिरिक्त ये बस स्टैंड रोडवेज पे 5 खोखा लगे हुए हैं, 5 खोखा जो दूरबीन है, मुन्ना है, देवेंद्र है, गुप्ता है, ये सब कहती है निःशुल्क हमारी ज़मीन में कहना जो किराए के पर रहते हैं, हम उनसे कोई किराया नहीं लेते हैं और आराम से उनके 5 परिवारों का भरण पोषण करते हैं। हम आप वकील और समाज सेवी होने के नाते क्या संदेश देना चाहते? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ समाज में ये जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं और न्याय और प्रशासन अधिकारी जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, कानून व्यवस्था हमारी लचर है, उस पर कानून व्यवस्था पर थोड़ी कड़ाई बरती जाए, अधिकारियों को टाइट किया जाए, क्योंकि ये जो है फोन पर कार्य करते हैं, अगर किसी नेता का फोन आ जाता है तो ये उसको जायज कार्य को नहीं करते हैं और उसको दबा लेते हैं।